एक बयान जो बन गया नारा। बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो, जिसने विपक्षियों के उड़ा दिए होश। पीएम मोदी ने भी झुका दिया सर। मैं कहता हूं एक है तो सेफ है, एक है तो। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लोकसभा चुनाव का वो दौर जब यूपी में भाजपा अपने पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गई थी, तब योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठिकरा फोड़ा गया। पूरी बीजेपी कौम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आ रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि योगी को उनकी कुर्सी से हटाने तक की चर्चा होने लगी। पर वक्त का पहिया घूमा और समय ने करवट ली। बांग्लादेशियों को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसने नारे का रूप ले लिया। बयान था, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का जादू हरियाणा में चला और अब महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने जोर पकड़ लिया है। इसी बीच दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट ने सिर्फ विपक्षियों के ही नहीं बल्कि बीजेपी और यहां तक कि पीएम मोदी की भी नींद उड़ा दी है। अपने एक्स हैंडल पर सबसे पहले केपी मलिक ने सवाल किया और लिखा, क्या बटोगे तो कटोगे ने बढ़ा दिया योगी का कद। उसके बाद इस पर विश्लेषण करते हुए केपी मलिक लिखते हैं, विधानसभा उपचुनाव को लेकर अत्यधिक दबाव में चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा नारा गढ़ दिया है जिससे विपक्षी नहीं बल्कि भाजपा और एनडीए पक्ष के तमाम धुरंधर नेता भी सकते में हैं। मुख्यमंत्री योगी के सिर्फ दो शब्द बटोगे तो कटोगे ने पूरे देश के हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है और विरोधियों ने इस नारे की काट निकालने के लिए एक से बढ़कर एक विशेषज्ञों को लगाकर इसकी काट का नारा ढूंढा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी का कद वास्तव में अब इतना बड़ा हो गया है कि अब उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से उनके अपने ही असहज होने लगे हैं, जबकि अभी कुछ ही महीनों पहले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से न सिर्फ हटाए जाने की बात हो रही थी और इसके लिए दिल्ली दरबार ने योगी को हाजिर होने को बुलाया था। उस समय उनका चेहरा भी परेशानी भरा साफ साफ दिख रहा था। उनके ही कई मंत्री उनकी सुन नहीं रहे थे और उनके द्वारा हार की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठकों में उनके ही कई मंत्री शामिल नहीं हो रहे थे, ना ही अपने अपने क्षेत्र में हार की वजह पर कोई जवाब दे रहे थे। लेकिन अब योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एक विचारधारा भी बनने लगे हैं। उनके विचार बनने के कई उदाहरण हैं जिन्हें दूसरे राज्यों की सरकारें भी फॉलो कर रही है। बुलडोजर चलाने से लेकर माफिया का एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर उन्हें कई राज्यों की सरकारें फॉलो कर रही है। इसके अलावा वो हिंदुत्व के कट्टरवाद के लिए जाने जाते हैं और बहुत से लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट जैसी उपाधियां से भी नवाजने लगे हैं। इस बार का बटोगे तो कटोगे का नारा इतनी तेजी से अपना असर दिखा रहा है कि विरोधी तो विरोधी उनके अपने दल के बड़े कद वाले मठाधीश भी हिले हुए हैं और जो अब तक योगी को डरा रहे थे अब उन्हें भी डर लगने लगा है कि कहीं योगी का बढ़ता कद उनके लिए खतरा पैदा ना कर दे। फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अब योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राजनीति में और भी बड़ा हो चुका है और उनके नाम का डंका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बजाने लगे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो कीर्तिमान गढ़े हैं उन्हें आने वाले वक्त में छू पाना भी किसी और मुख्यमंत्री के लिए असंभव होगा। फिलहाल हो सकता है कि आपको मेरी बातें गलत लगे पर आने वाले समय में उनके द्वारा गढ़ा गया मंत्र बटोगे तो कटोगे का बड़ा असर आपको उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों में दिखेगा। इस पर यूजर्स ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सतेंद्र नाम के एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, योगी के नेतृत्व में कई कदम जैसे माफिया पर कार्रवाई, बुलडोजर नीति और कठोर प्रशासनिक फैसले उन्हें अन्य राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल बनाते हैं। इनसे उनकी छवि एक विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में बन रही है जो भाजपा की पारंपरिक राजनीति से कुछ अलग है। बीजेपी में ही कई वरिष्ठ नेता उनके बढ़ते प्रभाव से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके लोकप्रियता का असर भविष्य में पार्टी की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ के कद को बढ़ाने के साथ साथ ही उनकी छवि को एक और ऊंचाई पर ले जा रहा है जिससे उनकी राष्ट्रीय पहचान और प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है।
इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, राइट जय हो योगी जी। हालांकि कई ऐसे भी यूजर थे जिन्होंने केपी मलिक के इस विश्लेषण पर सवाल खड़े किए। खैर जो भी हो, ये बात कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता कि आज योगी एक फायर ब्रांड नेता है। उनका दमदार अंदाज और उनकी नुकीली छवि विपक्षियों को असहज होने पर मजबूर कर देती है। खैर जिस तरीके से केपी मलिक ने ये विश्लेषण किया है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में बटोगे तो कटोगे ने योगी का कद बढ़ा दिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटे थे अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है, सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के स्मित और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। मैं कहता हूं एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है।